शिक्षक अभ्यर्थी। हाँ बोलिए आलोक जी। सर बोले माननीय मुख्यमंत्री जी का एक ट्वीट देखे हैं सर, आज शाम में ट्वीट किए हैं जो मतलब शिक्षा स्वास्थ्य में तो मुख्यमंत्री जी का निर्देश प्राप्त हो ही गया है बहाली के लिए, पुलिस विभाग में बहाली को तेज करने की बात कही गई है। जी तो उसमें ये सर का जानना था, जब शिक्षा मंत्री का भी निर्देश प्राप्त हो गया बहाली को लेकर के, तो फिर शेड्यूल में विलम्ब क्यों हो रही है सर? शेड्यूल में विलम्ब हो रही है, जब शेड्यूल आएगा सामने में तब आप लोगों को पता चल जाएगा और तब आप लोग कहिएगा कि यहाँ से सरकार क्यों विलम्ब कर रही है। पर शिक्षा विभाग से मतलब जब हम लोग जाते हैं तो विभाग से ही पता चलता है, जब हम लोग पूरी तैयारी कर लिए है बस विभाग का निर्देश कर... वह बहुत पुरानी बात कर रहे हैं जी, वह पुरानी। इधर आप शिक्षा विभाग में नहीं गए ये एक दो दिन में कुछ पॉजिटिव बात आया है जो मतलब हम लोग काम कर रहे हैं तो आप लोगों को जल्द दिखने को मिलेगा, लेकिन पहले बताया जा रहा था मतलब सरकार के स्तर से निर्देश नहीं प्राप्त हुआ है। पहले तो बना हुआ था ही ना एनडीए सरकार के समय में जी, नियमावली में बहुत खामियां थी जी, जिसको आप लोग महसूस करते होइएगा जी जी जी, तो उन सारे खामियों को दूर करने के लिए कहा गया है, उसी पर जो समय जो लग रहा है जी में लग रहा है। सर एक बात और है, मतलब 22 नियमावली का जो ड्राफ्ट जो था जो कैबिनेट से मंजूरी नहीं मिली थी वो ड्राफ्ट में बहुत सारी सुधार कर दी गई थी, 2022 नियमावली का जो ड्राफ्ट जो है उसमें बहुत खामियों को सुधार कर दी गई थी, तो कुछ उसमें और बची हुई थी। आपको सर ड्राफ्ट आपके देखे हैं सर, 22 का ड्राफ्ट? सर हम देखे नहीं है लेकिन जानकारी है, अगर होता आपको 22 का ड्राफ्ट भेज देख लेते हैं, उसमें अच्छा मतलब कुछ पहल किया गया था, 60-40 का भी किया गया था, ये सब कुछ प्रावधान की गई थी। हाँ तो इसमें और उससे बेहतर माने है वो, इसीलिए विलम्ब हो रही है, ये नियमावली को तैयार किया जा रहा है फाइनल रूप से। हाँ हाँ ठीक है सर, हमको आशा उम्मीद तो है सर समझे ना, और हम लोग सर अब आंदोलन भी चाहते हैं अब खत्म कर देना बहुत जल्द समझे, वो जो मतलब जो भी मतलब कार्यक्रम में कार्य होता है सबको चाहते हैं बस खत्म कर देना। अब कर रहे हैं ना जी हम लोग प्रयास में है सर, कुछ भी ऐसा गतिविधि नहीं करे, जब हमारी मांग जब सरकार के संज्ञान में है ही तो हम लोग इस सबको खत्म कर देना चाह रहे हैं हम भी लोग। संज्ञान में नहीं है, सर्वोच्च प्राथमिकता सर्वोच्च प्राथमिकता है जी, एक जी नंबर जी। आज तो स्पष्ट हो गई है मतलब जब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री जी का जब ट्वीट आया है इसी तरह स्पष्ट हो गया है, मतलब माननीय मुख्यमंत्री के ट्वीट को रिट्वीट विथ कमेंट करके उन्होंने लिखा है जो शिक्षा स्वास्थ्य पहले ही निर्देश प्राप्त है बहाली को लेकर के। आप भी जी जी आप भी इस बात का बहुत बार जिक्र कर चुके हैं जो मुख्यमंत्री से निर्देश प्राप्त है बहाली को लेकर के, बहुत जल्द सर ऐसी सारे गतिविधि को रोक दिया जाएगा सर हम लोग के स्तर से, बहुत जल्द आपको देखने का मिलेगा क्योंकि हम लोग देख रहे हैं सर मतलब हम लोग अपने मांग को लेकर के जाते हैं और मीडिया वाले क्या चलाते हैं विरोध कर रहे हैं, हम लोग का विरोध करके मीडिया जो है वो उसको अलग तरीके से पेश करने का कार्य कर रहा है, हम भी लोग इससे विचार कर रहे हैं श्रीमान जो इसको मतलब जी 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 सर्किट हाउस के बाहर अभ्यर्थी मिलने का प्रयास कर रहा जी जी, अधि लेकर वो अपना व्यक्ति लेकर के जी वो आके मिले हैं जी, आश्वासन दिए हैं, उसके बाद में लड़कों ने नारा भी लगाया जिंदाबाद जी 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 जी, मीडिया नहीं दिखाया, मीडिया क्या चला रहा है, विरोध किया गया मुख्यमंत्री का विरोध किया गया, उपाय पर नहीं तो विरोध देखते हुए मुंह छुपा के भागे जीते दिए जी जी जी, हम भी लोग सही से विचार कर रहे हैं जो मतलब सरकार को मीडिया की तरफ से घेरने का प्रयास किया जा रहा है सर, हम लोग इस पे कोशिश कर रहे हैं जी सबको खत्म करने का सर, जरूर ऐसा किया जाएगा सर, आप भरोसा रखिए सर जरूर ऐसा होगा सर।